रणवीर शौरी ने बिग बॉस के दौरान कई बार कहा है कि अगर मेरे पास काम होता तो आज मैं यहाँ नहीं आता। रणवीर ने बिग बॉस में बॉलीवुड के गैंग अप करने की बात भी कही है। बताया है कैसे कुछ लोग स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल कर देते हैं। वेल, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है रणवीर शौरी का पुराना इंटरव्यू, जहां सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद रणवीर ने बॉलीवुड की इन्हीं गैंग पर खुलकर बात की थी। अपने इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि मैंने सुशांत के जाने के बाद सुना था कि वो बहुत कुछ झेल रहा था, उसे अकेला कर दिया गया था, उसके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही थी। एक्टर ने कहा कि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है और इसमें कई नाम आते हैं। एक्टर ने खुलकर महेश भट्ट का नाम लिया और डायरेक्टर के बारे में ये कहा कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन तब तक जब तक पूजा भट्ट के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं हुआ, फिर मैंने देखा कि वो जो मैं उनकी इज्जत करता हूँ उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे मैनिपुलेट करने के लिए। और फिर सुशांत के साथ ये सब हुआ तो मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए। रणवीर ने कहा कि आप इंडस्ट्री में किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत लोग ऑफ रिकॉर्ड आपको कहेंगे, लेकिन मुझे ऑन रिकॉर्ड कहने में कोई परेशानी नहीं होती कि बॉलीवुड में गैंग अप किया जाता है, लोगों के करियर बर्बाद किए जाते हैं, ये सब बॉलीवुड में होता है। जी हाँ, ये कहकर रणवीर ने बिग बॉस में जाने से पहले सुशांत के चले जाने के बाद खुलकर बॉलीवुड गैंग के अगेंस्ट इंटरव्यू दिया था। जी हाँ, रणवीर उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जो सुशांत के चले जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का साथ देते नजर आए थे, जिन्होंने उठाई थी बॉलीवुड में चल रही दादागिरी के खिलाफ आवाज। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।